नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार का अगर सबसे सुस्त आयोग कोई कहा जाएगा तो वो बीएसएससी होगा। इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो 7 सालों से चल रही है। 2014 में उसका वैकेंसी आया था और अभी उसका मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन केवल एक ही परीक्षा में सुस्त नहीं है, बल्कि ये एक और परीक्षा में भी काफ़ी सुस्त है। 2016 में चालकों के लिए 466 पद पर वैकेंसी निकली और अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 5 साल होने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो हम नोटिफिकेशन जो उस परीक्षा के ऑर्गेनाइज करने के लिए निकला हुआ था। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पे, यानी इस पद के लिए भी कोर्ट में केस लड़ना पड़ा था तब इसका वैकेंसी आया था। इसमें दिया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा MJC संख्या 3375 2013 सुनील कुमार राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य सदृश वादों में पारित न्यायाधीश विभिन्न जिलों तथा विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के अनुरूप वाहन चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिनांक 23 जून 2016 से 19 जुलाई 2016 तक। आप समझ सकते हैं कि 2016 में हुआ और अभी तक वो रिजल्ट फाइनल नहीं किया गया है। आपको हम बताते हैं कि कितना लेट लतीफ़ी किया गया। सबसे पहले एक बताएं आपको कि हम एक अभ्यर्थी ने ही हमें इसके बारे में डिटेल्स भेजा है और उनका कहना है, जो बताए हैं उन्हें सूचना में, कि वैकेंसी निकला 2016 में, परीक्षा होती है 2 साल बाद सितंबर 2018 में। नोटिफिकेशन के 2 साल बाद परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है उसका 13 महीने यानी 1 साल 1 महीने बाद। दो आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2019 में उसका रिजल्ट आता है। और आगे सुनिए, उसके बाद बता रहे हैं आपको कि हम जो टेस्ट था, जो चालक परीक्षा के लिए टेस्ट होता है, वो किया गया उसके 1 साल बाद 16 अक्टूबर 2020 को। इतना लंबा लंबा समय चालक भर्ती के लिए। और उसके बाद हम बता दें कि इलेक्शन की प्रक्रिया के कारण ये लटक गया। बिहार में विधानसभा का चुनाव था तो रिजल्ट जो है 13 दिन बाद 29 अक्टूबर को साइट पर आया। रिजल्ट 16 अक्टूबर को टेस्ट हुआ और 29 अक्टूबर को रिजल्ट साइट पे आ गया। उसके बाद प्रक्रिया जो मेडिकल की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2020 को पूरी हो चुकी है और अभी तक जो है रिजल्ट, यानी कि आज 13 तारीख है तो लगभग 50-52 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं बीएसएससी को मैंने सुस्त क्यों कहा। एक तो है कि वैकेंसी हाई कोर्ट के दौर में केस लड़ने के बाद 2013 का केस रजिस्टर्ड है, 8 साल हो गया। जिसको फॉर्म वो भरना होगा, जिसने रिक्ति नहीं निकलने पर जो कोर्ट गया होगा, वो अभी 8 सालों से इंतजार कर रहा है। और 2013 में केस लड़ने के बाद 2016 में वैकेंसी आती है, 2018 में एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट जो है उसके 13 महीने बाद 1 साल 1 महीने बाद 2019 में आता है, फिर उसका जो टेस्ट होता है, जो चलाकर टेस्ट ड्राइव होता है, वो 1 साल बाद उसके 2020 में होता है अक्टूबर में, मेडिकल 2 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। ऐसे में 50-52 दिन से रिजल्ट लटका हुआ है। आप समझ सकते हैं आखिर आयोग क्या चाहती है, आयोग की मंशा क्या है, आखिर वो कितना जो अभ्यर्थी है उनके धैर्य का परीक्षा लेना चाहती है। ऐसे अभ्यर्थी अगर इतना फ्रस्ट्रेट करके आप अगर चुनेंगे किसी को भी, कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, क्या वो आपके प्रति और बिहार सरकार के रवैयों के प्रति कभी खुश रहेगा? तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो छात्र हैं वो काफ़ी असंतुष्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनके पास कम समय होता है, देखा जाए तो 10 से 12 साल ही तैयारी करने के लिए मैक्सिमम समय मिलता है। उसमें से 5-5, 7-7, 8-8 साल अगर लग जाएगा एक ही नौकरी की प्रक्रिया पूरा होने में, तो उनके साथ तो अन्याय है। वो दूसरी बार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इनकेस इसी परीक्षा में 466 पद हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई किए होंगे, 5 साल इंतजार करने के बाद अगर लड़कों को पता चलता है कि मेरा नहीं हुआ, उनका क्या जाएगा? उनका तो 5 साल चला जाएगा। तो आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और एक सुस्त आयोग की जो छवि बन गई है बीएसएससी की, उसे जरूर धोना चाहिए, उसे मिटाना चाहिए और समय पर रिजल्ट की घोषणा की जानी चाहिए। हमारी भी रिक्वेस्ट है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।